हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है भरगेन का शेफ़। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाया हूँ जिसका नाम है फिश अमृतसरी। आज मैं आपको बताऊँगा फिश अमृतसरी कैसे बनाएं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बस आपने मेरा वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। फिश अमृतसरी बहुत ही कमाल की रेसिपी है, क्रिस्पी और कड़क। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिश अमृतसरी कैसे बनाएं। सबसे पहले मैं आपको उसका मीजा दिखा देता हूँ कि फिश अमृतसरी के लिए हमने क्या क्या तैयारी कर रखी है। फिश, दही, लाल मिर्च का पेस्ट, बेसन, चावल का आटा, कसूरी मेथी, लेमन जूस, अजवाइन, धनिया के पत्ते, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक। अमृतसरी फिश बनाने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने 250 ग्राम फिश लिया है और मैंने फिश को काट लिए हैं इतने बड़े टुकड़े। आप इसी तरीके से काट लें। हम इसमें आधे से आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधे से आधा स्पून अजवाइन, जो बहुत ही जरूरी है। हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। आप इस तरीके से मसल के डाल लें। लेमन जूस 2 स्पून आपने डालने और हम इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इसको मैरिनेट करके हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट रखेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम दूसरा मैरिनेट कर लेंगे। हम इसमें सबसे पहले पिसी हुई मिर्च का पेस्ट डालेंगे। लाल मिर्च का अपने पेस्ट डालना है 1 चम्मच, क्योंकि जो मेरे गुरुजी हैं उनसे मैंने सबसे पहले ये फिश अमृतसरी बनाना सीखी थी 99 में, जिनका नाम है शेफ संजय सिंह तलवार। और वो जो फिश थी अल्टीमेट थी, उन्होंने लाल मिर्च का पाउडर यूज नहीं किया था। अगर आपके पास पिसी हुई मिर्ची नहीं है तो आप लाल मिर्च, देगी मिर्च यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें बेसन डालूंगा 1 चम्मच और 1 चम्मच मैं इसमें दही डालूंगा और थोड़ा सा पिंच कसूरी मेथी, आधा चम्मच चावल का आटा डालने वाले हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक इसके ऊपर हमने एक कोटिंग लानी है इस तरीके से। ये देखिए, पिसी हुई मिर्ची डालने का फायदा यह है कि आपको कलर डालने की जरूरत नहीं है। कि फिश अमृतसरी में कुछ लोग कलर यूज करते हैं, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लोग पिसी हुई मिर्च यूज नहीं करते, भूल गए कि हमने पिसी हुई मिर्च डालनी है, पेस्ट बनाना है मिर्च का। इसलिए तो आप कलर यूज ना करें, आप पिसी हुई मिर्च का यूज करें। और मिर्च डालने में हिचकिचाना नहीं है, आपने अच्छे से डालना है। नींबू मिर्च तो कलर भी आएगा और टेस्ट भी एकदम जबरदस्त आएगा। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ऐसे मिक्स करके हम इसको ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट रखेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। 20 मिनट हो चुका है, अब हम मछली फ्राई करेंगे। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है, तेल गर्म होना चाहिए और गैस स्लो होना चाहिए। मेरा तेल गर्म है और गैस स्लो है। अब मैं ये जो फिश है इसको एक एक करके इस तरीके से देखे, हमने जो इसमें चावल का आटा डाला है वो बहुत ही कमाल है, मछली को एकदम क्रिस्पी कर देगा। ऐसे डालना है एक एक करके। देखिए, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन मछली हो गई है। ये देखिए मछली हो चुकी है, कलर बहुत ही अच्छा आ गया। लेकिन हम इसको फास्ट तेल करके दोबारा डालेंगे और फटाक से क्रिस्पी करके निकालेंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी हमने कोई पकोड़ा या फिश ऐसे कुछ फ्राई करना है तो उसको हमने दोबारा रीफ्राई करना है। एक बार आप निकाल लें, फिर दोबारा फास्ट तेल में आपने डालना है और जूम करके निकालना है। मछली को डालूंगा और फटाक से निकालूंगा। ये देखिए, ये एकदम करंची हो जाएगी। ये देखिए, अब हम निकालेंगे और थोड़ी देर यहाँ रख देंगे ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा तेल है वो यहाँ नचुड़ जाए। तेल हमारा नचुड़ चुका है, अब मैं इसको प्लेट में सजा दूंगा। इस तरीके से आप सजा लें। ये देखिए, जो इसकी कोटिंग है वो बहुत ही पतली है, आपको मछली खाने में बहुत ही मजा आएगा। ऊपर से एकदम क्रिस्पी होगी और अंदर से एकदम हल्की स्पाइसी करंची निकलेगी। अब हम इसके ऊपर थोड़े से धनिया पत्ते
और थोड़े लच्छे ऑनियन लगाएंगे। अमृतसरी मछली में बहुत ही इम्पोर्टेंट है लच्छा ऑनियन लगाना, और आप एक नींबू भी लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन मछली तैयार हो चुकी है, और आपने इसको मिंट चटनी या फिर टमाटर केचप, और पंजाब में चाहे कोई सी भी मछली हो लोग टार्टर सॉस से बहुत ही ज्यादा खाते हैं और उनको पसंद भी हो जाता है, आप टार्टर सॉस से भी खा सकते। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिश अमृतसरी लेके आया, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया कि फिश अमृतसरी कैसे बनाए। बस आपने मेरा वीडियो आखिर तक देखना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए